इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज बेलगाम शहर में कॉरपोरेशन के सामने लगाए गए कन्नड़ परचम को लेकर काफी चर्चा रही। यही मौजूद जेर बहजरा चन्नम्मा सर्कल में कन्नड़ परचम गायब होने से भी हलचल मची रही। आखिर इस परचम को किसने गायब किया, इस पर बहस मुबासे देखे गए। आखिर सीसीटीवी के जरिए तस्वीर साफ हुई कि चन्नम्मा सर्कल का परचम किसी शख्स ने बतौर शरारत नहीं गायब किया था, बल्कि रात में गन्ने की ट्रक से परचम का हादसा हुआ था, लिहाजा एक और तनाजा होते होते रह गया। कुछ मखसूस लोग इसे भी जानबूझकर अंजाम दी गई वारदात के तौर पर पेश करना चाहते थे, पर पुलिस इंतजामिया ने फौरी तौर पर सीसीटीवी की तफ्तीश की, जिसमें ट्रक हादसे में परचम टूटने की तस्वीर साफ हुई। खैर, कन्नड़ परचम लहराने को लेकर मराठी तंजीमों की जानिब से आज मुतालबा पेश किया गया। खासकर आज महाराष्ट्र एकीकरण समिति की जानिब से पुलिस कमिश्नर को मुतालबा पेश किया गया। कमिश्नर दफ्तर में जाने से पहले काफी देर तक एमएस कारकुनान और पुलिस अफसर के दरमियान काफी देर तक बहस हुई। पुलिस कमिश्नर मसरूफ होने की बिना पर बाहर से ही मुतालबा पेश करने के लिए कहा जा रहा था, पर पुलिस कमिश्नर से ही मुलाकात करने की बात हम यहां से जाएंगे नहीं की जिद पर एमईएस कारकुनान जमे रहे और जमीन पर ही बैठ गए। लिहाजा आखिर महदूद तादाद को कमिश्नर से मुलाकात की इजाजत दी गई। पुलिस अफसर नारायण बर्मनी साहब ने मामले को बेहतर अंदाज में सुलझाते हुए चार ही लोगों को मुलाकात की इजाजत दी गई। एमईएस युवा कायद शुभम शेख के साबिक नायब मेयर रेणु किलेकर और दिगर तीन अफरादों ने अपनी बात कही। इनका कहना था कि बेलगाम कारपोरेशन पर पिछले कई सालों से भगवा परचम लहराया गया था, लिहाजा नई इमारत में कारपोरेशन को मुंतकिल करने के बाद भगवा परचम निकाला गया और तिरंगा लहराया गया। पर कल की वारदात पर एतराज करते हुए एमएस बेलगाम के कारकुनान जिम्मेदारों ने कहा कि बेतरतीब राष्ट्रगीत गाकर कौमी तराने की तौहीन हुई है। कल की वारदात को पुलिस की बेहिसी भी जिम्मेदार ठहराई गई। उन्होंने कहा कि पुलिस चाहती तो इन्हें गिरफ्तार कर सकती थी, पर खामोशी एक तरह से इनकी हिमायत नजर आ रही थी। आगे उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर 31 दिसंबर तक इस परचम को नहीं निकाला गया तो कन्नड़ परचम के बाजू में ही मराठियों का भगवा परचम लहराया जाएगा। लिहाज पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर बिठाए परचम पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया, ऐसा आईएमएस जिम्मेदारों ने कहा। वाजह रहे कि कल मुकम्मल दिन इसी सरगर्मियों में गुजरा। पूरी रियासत में यह मौजूद जेर बहसरा मुख्तलिफ कन्नड़ तंजीमों की जानिब से परचम लहराने वालों की गुलपोशी करने की भी इतला हासिल हो रही। इतना जरूर है कि कन्नड़ मराठी तनाजा एक बार फिर से बल्दिया इंतखाबात के मद्देनजर मौजू शायद यह सरगर्म रहेगा, क्या ऐसी भी चर्चा जारी है। गोहत्या गोकशी बिल को लेकर लेजिस्लेटिव काउंसिल में गोकशी बिल को नामंजूरी के बाद आखिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। आज रियासत कर्नाटक ने गोकशी बिल को मंजूर करते हुए ऑर्डिनेंस जारी करने का फैसला लिया। हालांकि रियासत में कानून के नाफिज करने के बावजूद जुबा खाने बंद नहीं हुए थे और बीफ खाने पर कोई पाबंदी नहीं, यह बात खुद रियासती वजीर बराए कानून माधव स्वामी ने कहा है। रियासत में मवेशियों की जुबा पर पाबंदी होगी लेकिन जुबा खाने खुले रहेंगे और बीफ खाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। लिहाजा रियासत के ये हिकमती अमली समझ से बाहर नजर आ रही है। जब मवेशी जुबा नहीं होंगे तो जुबा खाने क्यों खुले रहेंगे, बीफ की फरोख्त और खाने पर पाबंदी नहीं तो बीफ आएगा कहां से। हुकूमत महज जानवरों के जुबा पर पाबंदी लगाकर बाकी तमाम बीफ के फरोख्त और इस्तेमाल पर छूट देकर क्या हासिल करना चाहते हैं, किस तरह गुमराह किया जा रहा है इससे साबित होता है। वजीर रियासत कहते हैं कि बीफ खाने पर पाबंदी नहीं है। सवाल यह भी उठता है कि इससे पहले भी गाय को जबर नहीं किया जाता तो अब क्या नई बात कही गई। वाजह है कि एक तरह से गोहत्या गोकशी पर मखसूस माजरे को परेशान कर बीफ की फरोख्त की छूट देकर भाजपा या गैर मुस्लिम बीफ कारोबारियों को बढ़ावा देने के बराबर है। इसी दौरान सियासी घमासान भी जारी है। सतीश जारकिहोली ने भाजपा पर तंज करते हुए कहा कि क्या गोहत्या यही एक कानून बाकी था, गोहत्या लव जिहाद तीन तलाक राम मंदिर यही एजेंडे इनके पास है, कोई डैम मेडिकल कॉलेज आईआईटी यूनिवर्सिटीज वगैरह इन्होंने कोई तामीर की है, कोई तारीख है इनकी, ऐसा भी सवाल इन्होंने कहा। क्या सिर्फ नफरत का जहर घोलना इन्हें आता है, तमाम मुल्क की तरक्की के लिए जो इमारतें बनाई गई वह नेहरू के दौर में ही बनाई गई जिस पर भाजपा अक्सर बयानबाजी करती रहती। कांग्रेस के
कांग्रेस के ही सिद्धरामैया ने गोहत्या पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मुझे बीफ बड़ा अच्छा लगता है और मैं बड़े का गोश्त खाता हूं। यह बात कहने के लिए हमारी ही पार्टी के लोग कतराते हैं, पर मुझे यह कहते हुए कतराने की क्या जरूरत है, ऐसा भी उन्होंने कहा। मुझ में यह हिम्मत है, तभी मैं ये जो है डंके की चोट पे कहता हूँ कि मैं गो मांस खाता हूँ। ये उन्होंने अपने अल्फाज इस्तेमाल किए। गो माता कहकर पूजा की जाती है, पर क्या यही गाय जब बूढ़ी होती है तो क्या किया जाए? कभी इसके बारे में भी सरकार ने सोचा है? ये भी सवाल उन्होंने पूछा। हर रोज देखभाल के लिए गाय भैंस के लिए 100 रुपये से भी ज्यादा खर्च आता है, क्या हुकूमत किसानों को दे पाएगी? सिर्फ एक पहलू लेकर सियासत करके जज्बात से खेलने वालों को तमाम पहलुओं पर तवज्जो देनी चाहिए, ऐसा भी साबिक वजीर सिद्धरामैया ने कहा। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।